फिर नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते। क्या आपको कह सकता है कि हरिद्वार को हमने जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के? हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। ये जो जुबान अटकी है ये यूं ही नहीं अटकी, ये जो बात रोक कर घुमाई गई है ये यूं ही नहीं घुमाई। जियाउर रहमान बर्क जो कहना चाहते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण कह तो नहीं पाए, पर मन में क्या था ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाली बात क्या कह दी, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों की जाति का मुद्दा क्या उठा दिया और आरएसएस ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू एकता का संदेश क्या दे दिया, मानो सियासी भूचाल आ गया। यादवों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी, दोनों को आरएसएस बीजेपी का ये बयान खटकने लगा और दुहाई संविधान की दी गई। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे क्या मतलब बनता है? आप किस, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो खुद जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या करते आ रहे हैं, उन्हें हिंदुओं के एक होने से आखिरकार क्या दिक्कत है? हिंदू एक होगा तो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान होने का डर किसे है? क्या डर इस बात का है कि अगर हिंदू समुदाय एक हुआ तो एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएगा? मुस्लिमों से धर्म के आधार पर एक मुश्त वोट की चाहत रखने वाले हिंदुओं को जाति के चश्मे से क्यों देखते हैं? अगर धर्म के आधार पर मुसलमान एक हो सकते हैं तो फिर हिंदू क्यों नहीं? हरियाणा रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपनी आंखों पर लगा चश्मा साफ किया है। तभी पार्टी को शायद ये समझ में आ रहा है कि हरियाणा में योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का इफेक्ट क्या हुआ है। तभी तो योगी के बाद पीएम मोदी और अब आरएसएस भी जाति और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस सेम पेज पर है। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होंगे? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। आरएसएस के जरिए भी यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जब धार्मिक स्थलों की कोई जाति नहीं है, वहां हर जाति का हिंदू जाता है, तो जन्म के आधार पर पटना या खुद को कमजोर करना नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले डिफेंसिव मोड पर खेल रही बीजेपी ने अब अपने पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। बीजेपी को 240 वाली हार जैसी जीत के बाद ये समझ आया कि एक गलती उनसे हुई, वो थी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की जाति वाली राजनीति का काउंटर न ढूंढ पाना, और दूसरी थी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश में अपने कोर वोटरों को नाराज कर देना। यही वजह रही कि बीजेपी ने अपना टोन बदला और जाति के नाम पर बटे हुए अपने वोटरों को एक करने की कोशिश की है, पर
सारे मुसलमानों को अपनी छतरी के नीचे मानकर चलने वाले स्वघोषित मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। योगी जब हिंदुओं से न बटने की बात करते हैं तो ओवैसी इसे बीजेपी की इनसिक्योरिटी बताते हैं, पर जब वो खुद 19 करोड़ की रट लगाते हैं तो इंसाफ की बात कर रहे होते हैं। तुम यहाँ पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूँ। मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माई का लाल से नहीं डरने वाले हम। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। ओवैसी जब 19 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं तो वो एकता की बात कर रहे होते हैं, पर जब पीएम मोदी या मोहन भागवत बांटने वालों से आगाह रहने की बात करते हैं तो ओवैसी को ये बयान खतरनाक लगने लगता है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा। बिनात ने बटोगे तो कटोगे वाली बात क्या कह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों की जाति का मुद्दा क्या उठा दिया और आरएसएस ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू एकता का संदेश क्या दे दिया। मानो सियासी भूचाल आ गया। यादवों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी, दोनों को आरएसएस बीजेपी का ये बयान खटकने लगा और दुहाई संविधान की दी गई। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे क्या मतलब बनता है? आप किस, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहां पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो खुद जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या करते आ रहे हैं, उन्हें हिंदुओं के एक होने से आखिरकार क्या दिक्कत है? हिंदू एक होगा तो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान होने का डर किसे है? क्या डर इस बात का है कि अगर हिंदू समुदाय एक हुआ तो एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएगा? मुस्लिमों से धर्म के आधार पर एक मुश्त वोट की चाहत रखने वाले हिंदुओं को जाति के चश्मे से क्यों देखते हैं? अगर धर्म के आधार पर मुसलमान एक हो सकते हैं तो फिर हिंदू क्यों नहीं? हरियाणा रिजल्ट के बाद कहीं न कहीं बीजेपी ने भी अपनी आंखों पर लगा चश्मा साफ किया है। तभी पार्टी को शायद ये समझ में आ रहा है कि हरियाणा में योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का इफेक्ट क्या हुआ है। तभी तो योगी के बाद पीएम मोदी और अब आरएसएस भी जाति और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस सेम पेज पर है। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होंगे? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती।